हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी फॉर ब्यूटी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे ग्लो सीरम कैसे बनाते हैं घर में। ग्लो सीरम हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्लो सीरम लगाने से हमारी स्किन जो है अंदर से हेल्दी और ग्लोइंग होता है, इसलिए ग्लो सीरम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मार्केट से कोई भी ग्लो सीरम खरीदने जाओगे तो उसकी प्राइस थोड़ा सा हाई है, और ऐसा भी हो सकता है वो आपको स्किन में सूट ना करे। तो इसीलिए मैं आज एक ग्लो सीरम बना के दिखाऊंगी, जिसको आप कोई भी, अगर आपकी स्किन टाइप कोई भी हो, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ऑयली, नॉर्मल टू ड्राई और सेंसिटिव कोई भी हो, आप इस ग्लो सीरम को बना के अपने स्किन में लगा सकते हैं, क्योंकि एक नेचुरल ग्लो सीरम है। इसको लगाने से आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो चलिए आप ग्लो सीरम बनाना शुरू करते हैं। ग्लो सीरम बनाने के लिए सबसे पहला जरूरी इंग्रेडिएंट है एलोवेरा, एलोवेरा जेल। अगर आप कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हो, कोई भी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले सकते हो। अगर आपके पास एलोवेरा जेल ना हो तो आप एलोवेरा पत्ता से एलोवेरा जेल को निकाल के यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसे ज्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख पाओगे। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आप मार्केट वाला जो एलोवेरा जेल आता है उसे इस्तेमाल करने का। सबसे पहले मैं इस वो लिया है और इसमें थोड़ा सा मैं एलोवेरा जेल लूंगी, लगभग 1 टीस्पून की तरह। आप इस सीरम को 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हो। उसके बाद आपको चाहिए विटामिन ई का कैप्सूल। 1 टीस्पून एलोवेरा जेल में आपको 1 विटामिन ई कैप्सूल चाहिए। अगर आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो तो आप 2 टीस्पून एलोवेरा जेल में 2 कैप्सूल। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें एलमंड ऑयल ऐड करूंगी, 1/2 टीस्पून की तरह एलमंड ऑयल ऐड करूंगी, 1/2 टीस्पून ऐड कर दूंगी। अगर आपकी स्किन थोड़ा सा ड्राई है तो आप 1/2 टीस्पून ग्लिसरीन ऐड कीजिए, वरना आपकी स्किन ऑयली है तो आप थोड़ा सा ही 4 to 5 ड्रॉप ग्लिसरीन ऐड कीजिए। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, आपको पूरी तरह से मिक्स कर लेना है। मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि ये क्रीम फॉर्म में आ गया है। आप देख सकते हो क्रीम की तरह दिख रहा है, बिल्कुल ही क्रीम की तरह दिख रहा है। आप इसको एक कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं 1 वीक तक। आपको लगाना कैसे है, मैं अभी अभी सीट मास्क लगाया है और उसके बाद एज अ टोनर रोज वाटर लगाया है। उसके बाद आप नाइट में सोने से पहले इस सीरम को लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा ही लूंगी अपने हाथ पे, इतना सा ही लिया है। और इसके अंदर एलोवेरा है तो एलोवेरा हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, और एलमंड ऑयल भी है, और ग्लिसरीन जो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा। इनको लेके मैं अच्छी तरह से मसाज करूंगा। इसको मैं 5 मिनट तक अपनी स्किन में मसाज करूंगी, जब तक कि ये मेरे स्किन में इजीली एब्सॉर्ब ना हो जाए। एब्सॉर्ब करने तक मैं इसको मसाज करूंगी। 2 मिनट तक मसाज करने के बाद पूरी तरह से काफी हद तक मेरे स्किन में एब्सॉर्ब हो गया है। आप इसे हर रोज इस्तेमाल कीजिए और आप देखिएगा कि आपकी स्किन जो है अंदर से हेल्दी हो रहा है और स्किन भी ग्लोइंग दिख रहा है। तो सो फ्रेंड्स, आप इसको बनाइए और इस्तेमाल कीजिए, आपको जरूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ मेरा इससे ग्लो सीरम बनाने का तरीका आपको जरूर पसंद आया। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए आगे से ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।